जी हाँ, ये है चंबल के बीहड़। घनघोर दुर्दांत बीहड़, कभी बागियों के नाम से मशहूर रहे तो कभी यहाँ के राजा महाराजाओं के राजपूतों के कारण। यह वही क्षेत्र है जहाँ महाभारत सम्राट इस संपूर्णतः स्वतंत्र भारत, संपूर्ण विश्व यानी महाभारत के अंतिम सम्राट और अंतिम राजवंश ने दिल्ली से आकर के, दिल्ली को छोड़ करके, दिल्ली में किल्ली गाड़ करके महाराजा नंगपाल सिंह तोमर अपनी यात्रा पूरी करते हुए यहीं पर उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई ऐसा गढ़ी में, और यहीं से तोमर सल्तनत का साम्राज्य प्रारंभ किया। तो ये चंबल के इन्हीं दुर्दांत बीहड़ों में ये लोग जिनके नाम से खौफ खाते हैं, मगर यहाँ महाभारत के सम्राट रहते हैं, सारे विश्व के इस भूधरा के स्वामी रहते हैं, जिनको भारत कहते हैं। भारत के सनातन ग्रंथों में, सनातन धर्म के जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में इस राजवंश को भारत कहकर पुकारा गया है। अर्जुन को भारत कहा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है। और जितना भी ग्रंथ और शास्त्र है सभी में इस राजवंश को ही सुनाया गया है। जितने भी पुराण हैं, पूरे 18 पुराण केवल इसी राजवंश के राजाओं को सुनाए गए हैं। तुलसीदास को भी जब रामचरितमानस के लिए मान्यता लेने के लिए राजाज्ञा की जरूरत पड़ी, तो राजाज्ञा सिर्फ जो है चक्रवर्ती सम्राट ही जारी करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट वे होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और अश्वमेध यज्ञों की संख्या निर्धारित रहती है, और उतनी संख्या में अश्वमेध यज्ञ कर लेने पर उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। दूसरी बात ये कि चूंकि यहाँ और भी बड़े यज्ञ हुए, और भी कई चीज़ें हुई जिनकी आगे जिक्र आएगा इस फिल्म के अंदर में, तो हम चंबल के इन्हीं बीहड़ों में घूमते हुए यहाँ पर बहुत कुछ रहस्य छुपा है। महाभारत का रहस्य छुपा है, त्रेता काल का रहस्य छुपा है, सतयुग काल के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत की कथा तो यहाँ पर पग पग पर पड़ी हुई है, पग पग पर, कदम कदम पर, चंबल के एक एक कण पर महाभारत की कहानी लिखी हुई है। बहुत गहरा रिश्ता नाता यहाँ का महाभारत से रहा है। लोग जब सब सारी यहाँ की विरासत, यहाँ का इतिहास भुला करके सिर्फ और सिर्फ किसी बदनाम बागी की बात करें, या किसी बागी की बात करें, या बंदूक की बात करें, अरे ये राजपूत हैं, ये शेर हैं, सम्राट हैं, इन्होंने पूरे विश्व पर साम्राज्य किया है, इनके लिए क्या बंदूकें और क्या मौत, कोई अर्थ ही नहीं रखते। मौत के खिलाड़ी होते हैं, बचपन से मौत से खेलते हैं। जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, दुष्यंत और शकुंतला का वह पुत्र भरत सिंहों के साथ खेलता था बचपन में, शेरों के साथ खेलता था। जिसके ये वंशज हैं, ये पुत्र हैं, ये तोमर, तोमर राजवंश पांडवों का वंशज है,
चंद्रवंश से उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रवंश की फिल्म में जब पूरी ये वंशावली का विवरण और जानकारी दी जाएगी तब बताया जाएगा कि हमने कहाँ कब किसको किस वंश को किस राजा को किस राज मुझे तो अभी केवल 15 वर्ष से ही सेवा करने का अवसर मिला है और पहले करीब करीब 7 पीढ़ी पूजा करते हमारे पूर्वजों को हो गया है। मेरा नाम बच्ची प्रसाद पुजारी है, पिताजी का नाम माता प्रसाद पुजारी। किसने स्थापना कराई इस मंदिर की कुछ आइडिया? हाँ, ऐसा बताते हैं कि पानुन द्वारा प्रतिष्ठा कराई गई है महाभारत से पूर्व, ऐसा बताया जाता है शुरू से। अच्छा अच्छा, माँ हर्षद जी की प्रतिष्ठा पांडवों द्वारा महाभारत से पूर्व कराई गई है और ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत की तैयारी हो गई तो कृष्ण भगवान को सारथी थे, लेकिन कृष्ण भगवान उनको पांडवों से कहा आपकी विजय कौन कराएगा? महाराज, हम तो आपके चाकर हैं, जो आप आज्ञा करोगे वो मानने को तैयार हैं। जैसे ही कि दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने आज्ञा की कि चलो, पांडवों ने कहा हाँ महाराज चलो, लेकिन ऐसा कोई प्रश्नोत्तर नहीं हुआ, कैसे चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है, कब आना है, ऐसा कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया। जैसे दूसरा दिन हुआ और तैयारी हो गई तो राजा महाराजा थे पांडव, उन्होंने आदेश किया फौज फांटा नौकर चाकर हाथी घोड़े सभी सवारियों साथ देवी को लेने के लिए, ऐसा बताते हैं उज्जैन नगरी पहुँचे हैं। कुछ उसमें मतभेद है, कुछ लोग बताते हैं हिंगोला से लेके आए हैं देवी को, हिंगोला से लेके आए हैं, हाँ देवी को हिंगोला से लेके आए हैं, और जब वहाँ से वहाँ पर जाकर के पांडवों ने विधिवत पूजा की, 3 दिन तक पूजा की, लेकिन भगवती मुख से मुखारविंद से न बोली। जब 4th दिन हुआ कृष्ण भगवान ने स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि आप तो जगत पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? हमारी माँ यही अंतिम इच्छा है कि पांडवों की विजय हो। बोले यथास्तु, ऐसा जब आप चलो मैं आ रही हूँ पीछे। को किस क्षत्रिय को कहां का राज्य दिया था, क्या उल्लेख है हमारे ग्रंथों शास्त्रों और वंशावलियों में। तो ये राजा महाराजाओं का क्षेत्र है, महाभारत का क्षेत्र है, त्रेता काल का क्षेत्र है, त्रेता से संबंधित यहां बहुत कुछ है। तो आज हम यहां चंबल के बीड़ों में घूमते हुए हमारी पूरी टीम माँ योगेश्वरी पर फिल्म बनाने, माँ योगेश्वरी के बहुत बड़े मंदिर या बहुत महत्वपूर्ण मंदिर कहिए तक पहुँची, और हमने इस फिल्म की शुरुआत को इसी मंदिर से शुरू करना उत्तम और उचित समझा। तो हमारी टीम जब इन भीड़ों को पार करते हुए, भीड़ों में घूमते हुए इस मंदिर तक पहुंची, तो सर्वप्रथम इस मंदिर की एक संक्षिप्त सी आपको दास्तान या कहानी सुना दूं। महाभारत का युद्ध होना था, पांडव कम थे, उनके साथ केवल श्री कृष्ण थे। 18 उच्छुणी सेनाओं से युद्ध था, कौरवों का बल भारी था, कौरवों के पास में संसाधन बहुत भारी थे, 7 महारथी थे, ऐसे महारथी जिनको जीत पाना नामुमकिन था। तो पांडव बहुत चिंतातुर थे, बहुत चिंतित थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु युद्ध तो ठान दिया,
लेकिन अब क्या होगा, जीतेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं जो कहता जाता हूँ तुम वह करते जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के पहले उज्जैन गए, माँ हर सिद्धि के मंदिर पर पहुँचे। तो अर्जुन ने वहाँ पर 3-4 दिन तक माँ की आराधना की, तपस्या की, उपासना की, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। तब फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे कहा, हे योगेश्वरी योग निद्रे योग माये योग माते, तुम अर्जुन की मदद क्यों नहीं करना चाहती हो? अर्जुन पुकार रहा है, तुम अर्जुन के साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो? तब देवी बोली, उन्होंने कहा, जिसके साथ में त्रिलोकपति तीनों लोकों का स्वामी साक्षात खड़ा है, वह मेरी क्या जरूरत है, वहां तो सब कुछ वैसे ही अपने ही आप हो जाना है। तो जो स्वयं साक्षात आप जिसके साथ हैं, उसकी तो विजय वैसे ही होना है, इसलिए मेरी जरूरत क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर जरूरत न होती तो मैं अर्जुन को आपके पास तक लेकर के आता। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं साथ चलूंगी और महाभारत के मैदान में अर्जुन के साथ रहूंगी, पूरा युद्ध विजय कराऊंगी, आप यही तो चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हम यही चाहते हैं, युद्ध में अर्जुन की पांडवों की विजय हो। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर, चलिए मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त, अर्जुन जहाँ भी मेरा आह्वान कर देंगे मैं वहीं पर अचल रूप से स्थिर हो जाऊंगी और वहीं रह करके अपना पूरा काम करूंगी और इनको पूरा युद्ध जिताऊंगी। अब ये जहां भी जो भी उचित स्थान समझें वहीं पर मुझे बिठा दें, फिर वहां से बैठ करके मैं अपना काम करूंगी। इस प्रकार से देवी जी उनके साथ चल पड़ी, माँ योग माया योग निद्रा योगेश्वरी माँ हर सिद्धि देवी। और रास्ते में वहाँ से जब वो चले तो रात्रि विश्राम यहाँ पर अर्जुन ने अपने ननसार है अर्जुन की कुंतलपुर, महाराजा कुंती भोज की नगरी, जहाँ की कुंती यानी अर्जुन की माँ का गृह राज्य, अर्जुन की ननसार, अर्जुन का ममाना, वहाँ पर उन्होंने आकर के रात्रि विश्राम किया, चर्चा चली भोजन के बाद में। तो अचानक ही सारे मंतव्य और उद्देश्य पूछने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों गए थे, क्या बात थी क्या? तो उन्होंने बताया, कैसे से महाभारत कब होना है, तो उसमें आपको भी हमारे साथ में लड़ना है और हम माँ को साथ में लेके आए हैं विजय दिलाने के लिए, माँ हमारे साथ में आई हैं और वो हमारे साथ में युद्ध लड़ेंगी और वो युद्ध उन्हीं को लड़ना है, हम तो माध्यम हैं। तब महाराजा कुंती भोज और उनके पुत्र ठठाकर हंसे, अर्जुन का बहुत तेज उपहास उड़ाया, खिलखिला पड़े, बोले,
देवी और तुम्हारे साथ, अगर हैं तो कहाँ हैं, दिख क्यों नहीं रही, नजर क्यों नहीं आ रही। तब अर्जुन ने कहा वो ऐसे नहीं नजर आएंगे, उन्हें प्रकट किया जाएगा और उन्हें विराजित किया जाएगा, स्थिर किया जाएगा। तो कुंती भोज और उनके पुत्रों ने यह चतुराई चली कि अगर देवी यहाँ विराजमान हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो मेरा तो साम्राज्य माँ की संरक्षण में बहुत फलीभूत हो जाएगा। तो क्यों न अर्जुन के बहाने देवी को यहीं प्रकट करा लिया जाए, यहीं स्थिर करवा दिया जाए। तो उन्होंने अर्जुन को उकसाना शुरू किया, उकसा के और इतना भड़का है, इतना भड़का है, इतना क्रोधित क्रोध दिला दिया, आक्रोश में कर दिया कि वो देवी को आह्वान करके दिखाए, बताए कि देवी हैं साथ में। अर्जुन को भी खूब गुस्सा आ गया, पानी पर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी कोहनी मारी, पैर का अंगूठा दबाया, कई इशारे करे, लेकिन अर्जुन इतना ज़्यादा आक्रोश में आ गए कि उन्होंने देवी का आह्वान कर दिया, देवी का आह्वान कर दिया, देवी वहाँ प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो सभी ने प्रणाम तो किया देवी को, लेकिन देवी ने कहा कि मैं अपनी शर्त के मुताबिक अब स्थिर रूप से, अचल रूप से यहीं रहूंगी। और पूरा जो महाभारत का युद्ध है, पूरा महाभारत के मैदान में तुमको विजय दिलानी है, तुम्हारी तरफ से जो युद्ध लड़ना है और मुझे जो शत्रुओं का भक्षण करना है, वो सब मैं यहीं से करूँगी, यहीं रह कर करूँगी। अब मेरा यह अचल और स्थिर स्थान होता है। तब फिर वहाँ पर उन देवी की स्थापना की गई, प्रतिष्ठा की गई और मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर आप देख रहे हैं इस फिल्म में, अत्यंत विशाल काय है और इसकी ऊंचाई से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि पांडवों ने जब पूजा के लिए इसमें प्रवेश किया गया होगा। इसका दरवाज़ा ही खुद देख लीजिए कि ताजमहल की ऊंचाई का जो दरवाज़ा है ना, उतनी ऊंचाई का दरवाज़ा इस मंदिर का है, यानी कि उतने लंबे कद, उतनी ऊंचाई उनकी, पांडवों की थी। आगे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर हर सिद्धि देवी की ये दो जो प्रतिमाएँ हैं, तो दूसरी प्रतिमा ज्वाला देवी से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के लेके आए थे। तो यहाँ पर माँ सौम्य रूप में भी हैं और उग्र रूप में, दोनों स्वरूपों में स्थित हैं। माँ दक्षिण काली भी हैं और माँ चंडी भी हैं, उग्र चंडी। ये दोनों स्वरूप यहाँ ऊपर, दोनों विग्रह, दोनों इस प्रतिमा में नजर आ रहे हैं। सौम्य स्वरूप में भी हैं और उग्र चंडी स्वरूप में भी हैं। उनका सौम्य और सतोगुणी स्वरूप भी यहाँ प्रकट है और तामसी स्वरूप, पाममार्गी स्वरूप यहाँ पर दोनों में। फिर यहाँ नीचे इतना जो विशालकाय मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर की विशालता बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। और ये महाभारत के युद्ध से पूर्व बनाया गया मंदिर है और इसमें जो जो देवियों की जो प्रतिष्ठा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने की है, ये सब महाभारत के युद्ध से पूर्व की स्थापनाएं हैं। इसमें ये बाई और इधर हनुमान जी का भी मंदिर है ऊपर ही, और नीचे तलघर में जो प्रतिमाएं हैं, गुप्त हैं, महाकाली और धूमावती की। तो जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में प्रथम और जो सर्वोच्च या परम विद्याएं हैं वो तो महाकाली हैं, बाकी के 9 उनके स्वरूप हैं। उन 9 स्वरूपों में एक स्वरूप धूमावती है, तो धूमावती माई को भी यहाँ पर पांडवों ने पूजा है, उनकी उनका भी विग्रह यहाँ है, माँ महाकाली का है। ये तलघर में ये साल भर गुप्त रखा जाता है, इन मंदिरों को बंद रखा जाता है,
वर्ष भर इनके पट बंद रहते हैं। वर्ष में केवल दो दिन दुर्गा नवमी चैत्र में जो पड़ती है और आश्वनी मास यानी क्वार मास क्वार के महीने में जो दुर्गा नवमी केवल दो दिन ये पट खुलते हैं, वो भी केवल कुछ पल के लिए। और ये धूमावती माई को भूखी माई के नाम से भी जाना जाता है। ये भूखी माई कई आती विधवा वेश में रहती हैं और इनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही या यो इनकी पूजा करे उपासना करे तो इनके हाथ में सूप है, विधवा वेश है, इनको भूख ज़्यादा लगी तो ये अपने पति को ही मार के खा लेंगी। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को तो धूमावती माई के दर्शन की अनुमति नहीं है, वो एक वर्ष के अंदर में विधवा हो जाती हैं। धूमावती माई का पूजन करें, दर्शन करें तो। और यहाँ जो है ये जो गुप्त रखा जाता है, ये जो तलघर में या गर्भगृह में जो अंदर है माँ माँ काली का और इनका धूमावती देवी का, तो ये तो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि यहाँ पर तो मनुष्य को भी दर्शन नहीं करने देते, केवल शूद्र जाति को ही मात्र दर्शन की अनुमति है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवी की दृष्टि में जो भी आ जाता है देवी भक्षण कर देती, कर लेती है उसको, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो या कोई हो। यहाँ पर वो क्योंकि यहाँ महाकाली भी स्वयं साक्षात विराजमान है नीचे, और ऊपर वो जो अलग हैं जो हर सिद्धि देवी है, और नीचे ये तलघर में गर्भगृह में अलग अलग प्रतिमा है, और इधर ये साइड में ये मंदिर के नीचे ये बाहरी भाग में यहाँ माँ बीजासेन देवी का ये विग्रह दिख रहा है, माँ बीजासेन का विग्रह। और इधर जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं मंदिर के चारों ओर, ये स्ट्रक्चर्स उसी समय के हैं महाभारत काल के, इनमें धर्मशालाएं लोगों के रुकने के लिए ठहरने के लिए और माता का जो पूजन प्रसाद या और जो सामग्री रहती है ध्वजा नारियल वगैरह वो सब बिक्री की कुछ दुकान है। अब यहाँ इनके खंडर शेष रह गए हैं, ये पूरा का पूरा ये धर्मशालाओं के दुकानों के उस समय जब लगती थी यहाँ बहुत सजा धजा, चूँकि एक साम्राज्य था ये महाराजा कुंती भोज का, यहाँ की महारानी कुंती थी। यहाँ इस कुंतलपुर में अरबों का खजाना आज भी दफन है, अरबों रुपए का, जिसमें से पहले यहाँ नगर सेठ रहा हुआ करते थे, तो वो नगर सेठ जो है बागियों के भय से यहाँ से छोड़ करके मुरैना शहर में चले गए और अपनी हवेलियों को यहाँ बहुत विशाल और बहुत ही अलंकृत इतनी नक्काशीदार हवेलियाँ हैं उनको छोड़ के, खाली छोड़ के यहाँ से निकल के मुरैना शहर पहुँच गए। तो काछियों ने यानी इन कुशवाहों ने जो सब्जी का काम करते हैं सब्जी फल वगैरह, इन लोगों ने कब्जा कर लिया उनकी हवेलियों को, उनकी हवेलियों को खोद डाला, उसमें से करोड़ों रुपए का खजाना निकाल लिया। बहुत से काछी यहाँ पर करोड़पति बन गए। यहाँ खुदाई का काम वर्षों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलता ही रहता है, वो निरंतर है, वह यहाँ कुछ न कुछ कुछ न कुछ निकलते ही रहता है, बहुत अपार संपदा निकलती है। लेकिन जो असल खजाना है वो साम्राज्य का खजाना था राजा का, वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँचे। अभी ये नगर सेठों के खजानों तक उन्हीं की हवेलियों तक पर ही कब्जा किया है। ये हवेलियाँ इनकी नहीं हैं जो इसमें रह रहे हैं, ये हवेलियाँ मुरैना शहर में वैश्य समुदाय के जो लोग रहते हैं उन लोगों की हैं, और इतनी आलीशान नक्काशी और उनका ये सब उनका है, वो या नगर सेठ की ही तरह रहते थे इस साम्राज्य में, बहुत धन था, अपार धन था, और वो काफ़ी धन यहाँ पर छोड़ करके गाड़ करके ज़मीन में गए।
उसकी ये लोग खुदाई करते रहते हैं और इन्होंने उनकी हवेलियों पे कब्जा कर लिया है, शराब बरा पीते हैं और जो जैसा बहुत। और बाकी का जो राज्य का धन था वो काफ़ी धन यहाँ पर बगल में कुतवार बांध बना हुआ है, कुंतलपुर में बांध है, आसन नदी, वह आसन नदी जिसमें कर्ण का जन्म की इस वो नदी है और वहाँ सूर्य का रथ उतरा था, वहीं कर्ण खार है, वहीं कुंती का कुआ भी है। कुंती का कुआ भी अब वो बांध क्षेत्र में आ गया और बहुत विशाल खजाना, अरबों रुपए का खजाना बांध में, या तो वो गायब हो गया, डूब में आ गया, या जो है निकाल लिया गया ठेकेदारों द्वारा जिन्होंने उसको बनवाया है। वो खजाना अलग है। और यहाँ जो कुंतलपुर नगर है ये एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसके अंदर जो खजाना है वो साम्राज्य का वो अलग है। केवल ये एक जगह थी जो मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित रही, वह मंदिर भी सुरक्षित रहे, माँ हर सिद्धि देवी और जो नीचे विग्रह हैं काली धूमावती के वो सब सुरक्षित रहे, और शिव मंदिर है एक अलग से, दुर्वासा का आश्रम है, वो महर्षि दुर्वासा जो त्रेता काल वाले हैं, महाभारत काल में जिन्होंने कुंती को 5 मंत्र दिए थे, वो सब का सब अभी तक यथावत ज्यों का त्यों सुरक्षित है। यह मुगलों से भी बचा रहा, अंग्रेजों से भी बचा रहा, सिंधिया से भी बचा रहा, वरना उनकी नज़रों से दूर रहे, या यूं समझिए कि दूर सुदूर बीहड़ में होने के कारण, या यूं समझ लीजिए कि माँ की इच्छा के कारण, क्योंकि माँ सब सर्वनाश की स्वामिनी जो माँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनका सिर्फ एक सौम्य स्वरूप है, बाकी के तीनों खतरनाक स्वरूप हैं। तो माँ योग निद्रा, योगेश्वरी, योग माया, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये कौन है, और ये महाविष्णु जी की हैं तो बहन, महालक्ष्मी को और महाविष्णु तक को अचेत कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं, मत कर देती। महाप्रलय की स्वामिनी है, महाप्रलय जब होती है सब कुछ नष्ट होता है, तब केवल मात्र ये शेष बचती हैं, इन्हीं को माँ काली कहते हैं, इन्हीं को योग निद्रा, योग माया या योगेश्वरी कहते हैं। इन्हीं योगेश्वरी पर यह फिल्म आधारित है। ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप योगेश्वरी के बारे में, योग निद्रा, योग माया, महाकाली, कामाख्या, विंध्यवासिनी, ये बहुत रूप बदलती हैं, ये बहुत मोहिनी है, और रूप बदल बदल के सम्मोहन पैदा कर देती, भ्रमित कर देती हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देना, माया जाल फैलाना, ये इनके बहुत छोटे मोटे काम हैं। इनके अनेक रूपों से, अनेक नामों से, अनेक प्रकार की क्रियाओं से आप परिचित होंगे, माँ कामाख्या, माँ भगेश्वरी, और तोमर राजवंश की ये कुलदेवी हैं, पांडवों की कुलदेवी हैं, योग माया, योगेश्वरी, योग माता, ये कैसे बनी, क्या हुआ, ये पूरी कहानी इस फिल्म में चलेगी, और क्यों बनी, और भगेश्वरी, और उसको भगेश्वरी क्यों कहते हैं, भगेश्वरी क्यों कहा जाता है, और उसी को भवेश्वरी भी कहा जाता है, भगेश्वरी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो महाभारत सम्राट इस संपूर्ण भूधरा के यानी महाभारत के जो अंतिम सम्राट हुए, संपूर्णतः स्वतंत्र भारत पूरी धरा का स्वामी, इस भूमंडल का स्वामी जो राजवंश है, उनकी कुलदेवी। तो वो ऐसा घड़ी में आए और उन्होंने कुलदेवी का एक मंदिर वहाँ भी बनवाया जो भगेश्वरी के नाम से जाए, उसे भगेश्वरी नाम क्यों दिया गया, ये सब कहानी हम आगे अपनी इस फिल्म में दिखाएंगे। फिलहाल आप माँ हर सिद्धि से परिचित होइए, माँ हर सिद्धि के दर्शन कीजिए, इसके बाद में माँ हर सिद्धि के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। पहले आप माँ हर सिद्धि के वह दर्शन करिए जो
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा स्वयं स्थापित हैं और यह मंदिर स्वयं उन्हीं के द्वारा बनवाया गया और महाभारत के मैदान में उन्हीं इन्हीं माता ने और जो नीचे विग्रह मौजूद हैं इनने हमको युद्ध जिताया। इन्होंने तोमर राजवंश को पूरा युद्ध महाभारत का जितवाया पांडवों को। तो तोमर राजवंश जो है पांडवों का वंश है। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, मन्यु के पुत्र थे महाराजा परीक्षित जो कि महाभारत सम्राट थे। युधिष्ठर को राजगद्दी नहीं मिली थी जैसा कि श्रीमद् भागवत और श्री महाभारत में उल्लेख है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो महाभारत का जो सम्राट था वो अर्जुन को बनाया गया और अर्जुन के जो पुत्र का तो चूंकि महाभारत के मैदान में निधन हो गया था तो उनके जो पौत्र थे महाराजा परीक्षित, तो महाराजा अर्जुन के बाद में महाराजा परीक्षित सिंहासन पर बैठे। खैर ये फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको बहुत कुछ महाभारत के बारे में, त्रेता के बारे में, चंबल के बारे में और यहाँ के कण कण और असल इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। लीजिए ये फिल्म देखिए और पुजारी जी का भी इसमें इंटरव्यू है। हालांकि पुजारी जी का कहना है कि माँ सिद्धि देवी को और ज्वाला देवी को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में पांडव गए और जो ग्रंथों